व्हाट इज अप गाइस, दिस इज मी अविनाश कुमार। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा अप्सरा की 26 कलर पेंसिल्स का। और गाइस ये काफ़ी प्रीमियम कलर पेंसिल्स है, लिखा हुआ है प्रीमियम कलर पेंसिल्स। तो ये मेरे को लोकल मार्केट में नहीं मिल रही थी और इसको मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है और इसका प्राइस अराउंड 255 करीब है। तो गाइस इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, तो मेरे को 255 का पड़ा था, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में इसको बताऊंगा कि कैसी कलर पेंसिल्स है और ये बिगनर्स के लिए कैसी हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा पेंसिल्स, 26 कलर पेंसिल्स है और इसमें गाइस नॉर्मल यूज़ के लिए सारी कलर पेंसिल्स है। पीछे इसमें लिखा क्रॉस हैचिंग, स्टिपिंग और एम्ब्रोसिंग। तो गाइस अलग अलग टेक्निक से करने के लिए गाइस MRP 300 रुपीज़ के करीब है। इसको ओपन करके देखते हैं कैसी ये कलर पेंसिल्स। तो गाइस काफ़ी अच्छी लग रही हैं और इसमें नॉर्मल यूज़ के लिए सारी कलर पेंसिल्स हैं। इसमें गोल्डन भी है, सिल्वर भी है और पेल ऑरेंज भी, जो कल स्किन कलर आके आता है। और एक ख़ास बात गाइस, ये मेरे से 2 फीट के आराम से गिर गई थी और इसकी जो कलर पेंसिल्स है काफ़ी जो अच्छी है, क्योंकि इनके इनमें से कोई सी भी कलर पेंसिल ब्रेक नहीं हुई है अभी। तो इसको यूज़ करके देखते हैं कैसी है ये। तो इनमें से मैं भी रेड कलर ले रहा हूँ, शेड करके देखते हैं कैसा शेड हो रहा है। गाइस इसको यूज़ करते मतलब काफ़ी सॉफ्ट पेंसिल्स लग रही है, तो पेपर के ऊपर आराम से ऑप्ट हो रही है। ये सॉफ्टनेस तो सही है, बाकी इसको मिक्सिंग देखते हैं कलर मिक्सिंग कैसी हो रही है। इसके अंदर रेड के अंदर ऑरेंज मिक्स कर रहे हैं एक बार। मिक्स भी सही हो रही है इसमें, अभी ऑरेंज के ऊपर रेड भी मिक्स कर रहे हैं। गाइस काफ़ी सही मिक्स हो रही है ये। अभी पेल ऑरेंज देखते हैं जो कि नॉर्मली स्किन का कलर होता है। मम्मी कहाँ भैया? तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से पेपर पर ऑप्ट हो रही है। अब इसके अंदर कुछ और मिक्स करते हैं, थोड़ी डार्क स्किन बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो लाइट ब्राउन इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो गाइज इस काफ़ी ये भी काफ़ी सही इधर ऑप्ट हो रही पेपर पे। अब गाइज सभी कलर पेंसिल्स के अंदर कलरिंग तो काफ़ी अच्छी होती है, पर जो ब्लेंड करने का होता है वो देखते हैं ब्लेंड कैसे हो रही है। ब्लेंड मतलब रब करना, जिससे काफ़ी कलर अच्छी तरह फैल जाता है पेपर के ऊपर। तो मैं वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वाइट कलर किसी भी कलर पर दिखता नहीं, पेपर का भी कलर वाइट होता है इसलिए। तो इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड हो पा रही है। तो गाइज आपको एक बात देखना, जहाँ पे रेड कलर और ऑरेंज कलर मिक्स हुआ है गाइज, वो जो कलर दिख नहीं रहा और काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो पा रही है। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी बात लगी इस कलर्स के अंदर। और गाइज के अंदर गोल्डन भी मिलती है और सिल्वर मिलती है, ये गोल्डन और ये सिल्वर। तो गाइज इनको भी यूज़ करके देख लेते कैसी यूज़ हो रही है ये। तो ये सिल्वर कलर है और इसके बाद गोल्ड। गाइज ये दोनों भी काफ़ी अच्छी तरह से ऑप्ट हो रहे पेपर पे। और गाइज इनकी एक खास बात, गाइज जो शेप है गाइज वो राउंड है, तो गाइज ग्रिप काफ़ी अच्छी बन पा रही है। ग्रिप भी बहुत मैटर करता है ड्राइंग में ऐसे में, क्योंकि पसीने आने की वजह से अपना हाथ है जो स्लिप होता है पेंसिल ऊपर से। तो गाइज ये काफ़ी सही लग रहा है, इसके ऊपर ग्रिप अच्छा बन रहा है।
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो थैंक्स गाइस, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया है। तो आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।